किसान आंदोलन नु नाकाम करन लई केंद्र सरकार हुण तक कई चालां चल चुकी है, पर आंदोलन नु कोई फर्क नहीं पिया। हुण केंद्र सरकार ने नवा पैतरा चलिया है। गृह विभाग ने पंजाब दे डीजीपी अते मुख सचिव नु एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी दे विच गृह विभाग ने किसानां उपर दोष लाए ने कि पंजाब दे किसान यूपी अते बिहार तो आने वाले मजदूरां दा शोषण करदे ने, उन्हां नू नशे दा आदी बना के कई कई घंटे काम करवांदे ने। पर केंद्र सरकार दे इन्हां दोषां तो उलट पंजाब च काम करन वाले प्रवासी मजदूरां दा कहना है कि ओ बेहद खुश ने, उन्हां नू बंदुआ मजदूर नहीं बनाया जांदा, सगों वक्त ते तनखा दित्ती जांदी है। इन्हां मजदूरां ने नशे वाली गल तो भी साफ इनकार कर दिता है। नाम है बेगूसराय, घर मेरा पड़ता है, 16 साल से रहता हूँ सर, इसी जगह काम करता हूँ, बच्चे बुच्चे यहीं पालता हूँ, कोई दिक्कत हमको नहीं है जगह के, न बनवा मजदूरी हमको नहीं मिलता है, जिसे काम करता हूँ, खुला कमाता हूँ, खुला खाता हूँ। कोई जो इल्जाम ये लगाए गए हैं किसानों और मजदूरों पर, ये गलत है? बहुत गलत है जी। कोई ऐसी बात तो नहीं है? ऐसी बात यहाँ कुछ नहीं है। कौन सा देश है तुम्हारा? मेरा देश पड़ता है बेगूसराय जिला। सरहदी इलाकों में किस मजदूरों से यूपी बिहार के ऐसा कोई बात नहीं है? यहाँ पे बढ़िया खुशहाल से रह रहा हूँ हम लोग, 10 साल से रह रहा हूँ, मैं बांका जिला का हूँ, बिहार बांका जिला का, अब कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, रोटी पानी बढ़िया खा रहा हूँ, सारे बच्चे बुच्चे सब है यहाँ पे। कोई बंधुआ मजदूरी या कोई कुछ नहीं? बस मेरे को शाम को सुबह जाऊंगा 8:30 बजे, 9 बजे तक में मेरे को काम पे पहुँचना है, 6 बजे छुट्टी, शाम को पैसे नगद। नशा नहीं कराते आपको? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई बात। क्या नाम आपका? समीर। दूजे पासे किसानां दा कहना है कि ये सब केंद्र सरकार दी चाल है, दिल्ली च चल रहे आंदोलन नू कमजोर करन लई अजिहा कीता जा रहा है। रोप लगाया गया गृह मंत्रालय वालों, की कहना है जी तुहाडा इसके लिए? नहीं, ये सरासर झूठा रोप है जी, कोई ये सच्चाई नहीं, ये सिर्फ अपना अंदोलन जिहड़ा दिल्ली मोर्चा चलता पे अंदोलन जी, उन्नू कमजोर करने की साजिश है जी, ये झूठियां अफवाहां फैलाइया जा रही ने। किसी तरह का कोई मजदूर नाल कोई उन्हां दी मजदूरी उन्हां नूं समय सिर मिल रही, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं? किसी तरह की नहीं जी, एवें दी कोई गल नहीं, जदों भी उन्हां नूं उन्हां दी दिहाड़ी पूरी हुंदी आ जां जदों भी ओह आपदी दिहाड़ी दे पैसे मंगण, उन्हां नूं उसे वेले ही पेमेंट की जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 250 ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਤੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਰਾ ਸਰ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ? ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ।